सबसे पहले तो फिल्म का नाम तमंचे है, किस किस पर तमंचे चलने वाले? तमंचे नाम तो है लेकिन लव स्टोरी है, तो आप लोगों पे तो नहीं चलेंगे, आप फिल्म जाके देखिए आपको मजा आएगा। और आप मुन्ना का किरदार और बाबू का किरदार निभाने वाले हो, तो किस तरह का किरदार होगा कुछ बताइए। बाबू के बारे में ऋचा से गुजारिश करूंगा, वो बताएंगी। मुन्ना के बारे में मैं बता देता हूँ, ऋचा बताइए। बाबू जो है वो एक दिल्ली की लड़की है, क्रिमिनल है, अनाथ है, और उसने क्राइम को जरिया बनाया है लाइफ में आगे आने के लिए, और उसको मुन्ना से प्यार हो जाता है अलॉन्ग द वे। एक बार वो लोग जेल की सैर करने जा रहे होते हैं तो उनको प्रेम हो जाता है, और कैसे वहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है, थोड़ी बदलती है, दोनों साथ में मिलके बहुत खुराफात करते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग फिल्में हैं, ऐसे एक फिल्म में इसमें रोड ट्रिप भी है, इसमें लव स्टोरी भी है, इसमें एक्शन फिल्म भी है, तो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या है। मुन्ना एक क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है, लेकिन शायद बेवकूफ़ भी है थोड़ा सा, और उसको एक बाबू जैसी लड़की से उसका सामना होता है जो खुद भी एक क्रिमिनल, खुद भी क्रिमिनल है, लेकिन थोड़ी मॉडर्न किस्म की लड़की है, मॉडर्न कपड़े पहनती है, कभी कभी कम कपड़े भी पहनती है, टूटी फूटी अंग्रेज़ी भी बोलती है। बाबू मुन्ना इसी बात पर लट्टू हो जाता है कि ऐसी कभी एक लड़की तो मिली कम से कम जो इंग्लिश बोलती है। दोनों बहुत ही जुदा कैरेक्टर्स हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते स्टार्टिंग, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में प्यार हो जाता है। अच्छा, प्यार की बात तो हुई, लेकिन आपको थप्पड़ भी खाना पड़ा था फिल्म में, क्या कहेंगे? हाँ, वो एक सीन के लिए मुझे ऋचा को थप्पड़ मारना था। वैसे तो आमतौर पर बहुत ही कॉम्पिटेंट एक्टर हैं, कभी कोई रीटेक नहीं लेती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उन्होंने 15-16 ले लिए, तो इन्हीं से पूछिए इनको क्या मज़ा आ रहा था कि बार बार इन्होंने इतने रीटेक लिए। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, वो धीरे से मारने पे असली नहीं लग रहा था, इसलिए बहुत बार धीरे से मारे और एक बार जोर से मारा। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने 16 बार जोर से मारा। चलिए। अच्छा, आप दोनों ही फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो कितना मुश्किल होता है फिल्मों में आना? जैसे कि मतलब सलमान जी भी सपोर्ट करने आए थे फर्स्ट दिन पे, तो क्या कहेंगे उसका? जी, आप थोड़ा तो मुश्किल होता ही है, क्योंकि अब ये चलन ही हो गया है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक और नाता नहीं है तो आपको फिल्में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे हैं, ऋचा भी हैं, ऋचा तो अच्छा भी कर रही हैं, और तुम भी अच्छा कर रहे हो। चलो, तो हम दोनों यहाँ पे हैं और आगे, और हम दोनों अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ, और अच्छा करेंगे भगवान की दया से। ऋचा, आपकी बात करें तो हमेशा से आपको टफ किरदार में देखा। मैं इस सवाल का जवाब ही नहीं दूंगी, पक गई। वो भी कैमरा में आएगा। हाँ, बोलिए, पूछिए। बोलिए बोलिए। आपको हमेशा से टफ किरदार में देखा गया है, एकदम बॉयज टाइप, तो क्या इस फिल्म में भी कुछ ऐसे ही होगा या फिर ऐसे कुछ अलग होगा? प्लीज योर आंसर। देखिए, हर फिल्म का और हर किरदार का एक अलग अलग मापदंड होता है। अमिताभ बच्चन जी से कभी किसी ने नहीं पूछा कि उन्होंने 10 पिक्चरों में पुलिस वाले का रोल क्यों निभाया, वो इसलिए है क्योंकि ये शुरुआती तौर है करियर की, अभी सिर्फ 3-4-5 फिल्में ही आई हैं, आगे आगे मौका दीजिए। आई एम श्योर ऋचा वर्सेटाइल एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे रोल्स करेंगे कि आप भूल जाएंगे उन्होंने कभी ये टफ एग्रेसिव टॉम बॉयज रोल्स किए थे। अच्छा, फिल्म में काफ़ी अच्छे गाने हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको पसंद आ रहे हैं गाने? जी, बहुत। चलिए, थैंक यू। आपका फेवरेट कौन सा है? वही जो टाइटल ट्रैक है, प्यार में दिल पे। अच्छा, तो हाँ, गाने पसंद आ रहे हैं लोगों को और हम यही सुनते हैं फीडबैक में, तो बहुत अच्छा लगता है। हमने गानों पे काफ़ी मेहनत की है, इसका सारा श्रेय हमारे म्यूज़िक कंपोजर्स को जाना चाहिए, कृष्णा और को प्रावो मुखर्जी का। हमने एक पुराना गाना लिया है जो राहुल देव बर्मन साहब ने कंपोज किया था, तो एक ट्रिब्यूट है उनको, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट द सॉन्ग्स आर डूइंग वेरी वेल। स्टार्टिंग में जो है, जब ये ट्रेलर लोगों ने देखा तभी अबू सलेम से कुछ आपका किरदार को कंपेयर किया? नहीं, वो एक गलत न्यूज़ छपी थी, क्योंकि मैं एक बायोपिक फिल्म करने वाला हूँ जो शायद अबू सलेम से रिलेटेड है, कहीं पे वो एक गलत खबर छपी कि वो तमंचे से रिलेटेड है। तमंचे से तो अबू सलेम का और कुछ लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ऋचा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी अपकमिंग फिल्म कौन सी होगी और किसमें दिखाई देंगे आप? फिलहाल तो मेरी पूरी एनर्जी तमंचे पे है और हम लोग दिन रात इसे प्रमोट कर रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, लोगों को थिएटर के अंदर ला रहे हैं, और अभी मेरे दिमाग में इसके अलावा और कुछ चल भी नहीं रहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यही कुछ दिन बचे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत तैयारी की, अभी एग्ज़ाम आ गया, फिर कुछ दिन में एग्ज़ाम फ्राइडे को और एग्ज़ाम का रिजल्ट मंडे को आ जाएगा, तो आप लोग सब हमें हमारे लिए प्रे करें कि हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा करें। फिल्म की रिलीज डेट नज़दीक आ गई है, कितने नर्वस हो आप? नर्वस नहीं है, एंग्शियस है।
हम दोनों वैसे तो कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमें हमने फिल्म देखी है, हमने बहुत मेहनत करी है, हमें मालूम है हमने उसमें क्या किया, एंड उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी हमारी मेहनत दिखेगी, उनको ये फिल्म पसंद आएगी। नर्वसनेस नहीं है, एंग्जाइटी है, लेकिन वो तो हर एक्टर को होती है। मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ। मैं हूँ थोड़ी नर्वस। आखिर में ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, क्यों देखनी चाहिए? 10 अक्टूबर को फिल्म आ रही है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत मज़ेदार फिल्म है, आप बहुत हंसेंगे, आपको मज़ा आएगा, दोनों बहुत ही अनोखे अनूठे किरदार हैं, इनकी नोकझोंक बहुत ही प्यारी है, आप जाइए और इस फिल्म का मज़ा लीजिए। बहुत समय बाद ऐसी फिल्म आ रही है जिसमें प्योर लव स्टोरी है, एक्शन के बैकड्रॉप में हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, बहुत सारे सस्पेंस ड्रामा है, तो जिन लोगों को लव स्टोरीज पसंद आती है और जिन लोगों को एक्शन पसंद आता है, जो कि दो कॉमन जॉनर्स हैं बॉलीवुड के अंदर, उन सबको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। और आपकी मनोरंजन की जिम्मेदारी हमारी है, तो प्लीज़ जाके ये फिल्म देखिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। We'll be right back.